तुमने मुझे बुलाया? चाची मैं टॉवल लेना भूल गई हूँ, अंदर कबर्ट में है, निकाल कर देंगी प्लीज? क्या चाहिए? अच्छा टॉवल। हाँ टॉवल, दरवाजा बंद कीजिए। क्या हुआ चाची, कोई भूत भूत देख लिया क्या? देखकर बहुत दिन हो गए। क्या बोली? नहीं मैं बहुत देर से नहा रही हूँ ना, सर्दी लग जाएगी कह रही थी। क्या हुआ? कुछ नहीं, 2 दिन से मलेरिया की तरह बहुत ठंड लग रही है। चाची आपका क्या साइज है? 40C। बाप रे, बस नंबर जैसा लगता है। आउच। चाची थोड़ी मदद कर दीजिए ना प्लीज। वहां क्या खड़ी है, मैं आपसे ही कह रही हूँ मदद कर दीजिए ना। काफी है, ये थोड़ी ना मंगलसूत्र है। हाँ इसे वहां रख दीजिए, वो माला ठीक से डालिए। हाँ आप वहां जाइए, अरे वहां जाइए, वहां जाइए। हाँ अरे मेरा हाथ तुम्हें दिखाई नहीं देता। हाय जानकी, कैसी हो तुम? अच्छी हूँ। ये क्या जानकी, अब तक नाइटी में घूम रही हो? जल्दी से साड़ी पहन कर आओ, पूजा में नहीं बैठना है। आती हूँ। चाची ये सब क्या हो रहा है? पूजा है। कौन सी पूजा? वर लक्ष्मी व्रत की। वर लक्ष्मी, ये क्या होती है? हे भगवान, तुम एक ब्राह्मण के घर पैदा होकर वर लक्ष्मी व्रत क्या होता है पूछ रही हो? शादीशुदा औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत रखती हैं और सुमंगल पूजा करती हैं। ये सब तुमने नहीं किया, तुम नहीं जानती? मैं जानती हूँ चाची, लेकिन ये सब मेरे लिए नहीं है ना, ये सब क्यों हो रहा है? मैंने सोचा तुम भी औरत हो इसलिए तुम्हारे लिए ये सब अरेंज किया। अगर तुम अकेली रहना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती, मैं उन्हें जाने के लिए कह देती हूँ। रुकी रुकी, रहने दीजिए, उनके पति की सेहत अच्छी रहे इसलिए वो हमारे घर में पूजा कर रही है, ये तो पुण्य का काम है ना। तुम कहाँ जा रही हो? आपने ही बुलाया ना सबको, साड़ी पहनकर आती हूँ।